हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर <coughs> आप सभी का आपके अपने परिवार टेकपुर में मैं दीपा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ कैसे हैं भाई आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे हाँ जी मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे और साथ में ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी का होली का त्यौहार भी हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है तो बहुत अच्छे से गया होगा आपने वेरी वेरी सेफ होली खेली होगी तो भाई अब होली के रंगों से बाहर निकलो अब अपने पेपर के रंग में भी रंगो क्योंकि आप सभी के लिए पेपर की पेपर पर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि आपका अभी आपको पता है कि इस महीने के ख़त्म होते होते आपका ये वाला एस एस सी का पेपर हो जाएगा तो भाई अपनी कमर कस के अब अपनी सिर्फ और सिर्फ तैयारी में जुट जाइए और जैसे कि मैं आपको ये होली ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बोल के गई थी कि सभी बच्चे होली के त्यौहार का लुत्फ उठाएंगे उठाएंगे लेकिन साथ में भाई अपनी तैयारी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने मेरे मतलब मेरे साथ चलने वाले बच्चे हो तो भाई मेरा मेरी इस बात का एक छोटी सी बात कह के गई थी इसका अमल किया होगा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो मैंने आपको यही यूटिलाइजेशन में अभी आपकी क्या थी बहुत सी कमियाँ रह जा रही थी बहुत से क्वेश्चनों पर अटक जा रहे थे आप तो भाई उसकी मैंने कहा था कि फिर से फिर से फिर से रिविज़न करके आइएगा तो उम्मीद करती हूँ कि रिविज़न करके आए होंगे और अब फटाफट से आपका वही प्रैक्टिस सेशन रिवीजन सेशन जिसे कहते हैं फटाफट फड़ से आज का स्टार्ट करती हूँ और पहला क्वेश्चन आपके सामने लगवाती हूँ लगाइए पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है जरा आंसर कीजिए इसका आ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए ध्यान से आपका ये भी किससे एक क्वेश्चन है आपका ये आपका हीटिंग का क्वेश्चन है भाई क्या कहता है इसमें विच ऑफ दी फॉलोविंग विच ऑफ दी फॉलोविंग इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग इनमें से किस पैरामीटर में इंडक्शन हीटिंग में इन में से कौन सा पैरामीटर इंडक्शन हीटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी या सभी वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी या सभी सभी इसका आंसर देंगे भाई ए बी सी डी में से लगभग मेरे हिसाब से कई बच्चों का आंसर इसका सही भी आ रहा है आपको बता दूं भाई इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द राइट आंसर क्योंकि भाई सीधी सी बात याद रखिएगा आपको बता दूं आपकी हीटिंग आपको बता दूं भाई हीटिंग जो है आपकी इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करोगे तो आपको बता दूं आपकी इलेक्ट्रिकल हीटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो जो दो पार्ट में इलेक्ट्रिकल हीटिंग आपकी डिवाइड की जाती है वो डिवाइड की ही आपकी फ्रीक्वेंसी के बिहाव पे जाती है आपको बता दूं जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग की थोड़ी सी डिटेल में वे सुन लीजिए इलेक्ट्रिक हीटिंग आपकी दो टाइप की है कौन कौन सी सबसे पहली आती है आपकी पावर फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसे कि आपकी ओहमिक फ्रीक्वेंसी या ओहमिक हीटिंग भी कहा जाता है दूसरी आती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग कौन सी आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग ये पूरी हीटिंग का चार्ट बता रही हूं इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा याद रखिएगा ठीक है पावर फ्रीक्वेंसी की पाव अगर बात करूं यानी कि जो नॉर्मल आपकी पचास हर्ट्ज़ पे ऑपरेट होने वाली है ठीक है भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करूंगी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है अच्छा अगर अब मैं पावर फ्रीक्वेंसी पे जाऊं तो पावर फ्रीक्वेंसी आपकी फिर से पावर फ्रिक्वेंसी आपकी हीटिंग जो है ये फिर से आपकी कई सारी टाइप की होती है जो आप पढ़ते हो आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग वो इसी के अंदर आती है भाई आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग है आपकी आर्क हीटिंग है वो इसी के अंदर है दो टाइप आपकी कौन कौन सी रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरी होती है आपकी आर्क हीटिंग और अगर इसकी बात करोगे ये आपकी फर्दर तीन टाइप की है भाई ये कितनी आपकी तीन टाइप की सबसे पहले आती है आपकी एडी करंट, एडी करंट, और दूसरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्शन हीटिंग इंडक्शन हीटिंग और उसके बाद तीसरी आती है आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग रेजिस्टेंस हीटिंग आर्क हीटिंग की बात करूं बच्चे ये फर्दर आपकी दो दो टाइप की होती है एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट ऐसे ये फिर से दो टाइप की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और अगर ऐसे ही मैं आपकी इंडक्शन में जाऊं, इंडक्शन आपकी फिर से दो टाइप की है भाई कौन सी एक होती है आपकी कोर टाइप और दूसरी होती है आपकी कोरलेस कोर टाइप और कोरलेस याद रखिएगा डाई हीटिंग को आपकी यहाँ पे कैपेसिटर हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है कैपेस्टर हीटिंग या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट आपको बना दिया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग का इसको याद रखेंगे इसको नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट है तो भाई सीधी सी बात क्वेश्चन पूछा गया था कि आप में आपसे इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो आपका इलेक्ट्र आपकी इंडक्शन हीटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोल्टेज करंट या फिर आपका इसमें फ्रिक्वेंसी बहुत से बच्चे ना करंट आंसर दे के आते हैं क्यों क्योंकि उनको ये याद होता है कि इंडक्शन हीटिंग है इंडक्शन यानी कि ए पे काम करेगा मेरे भाई डी पे तो आपकी हीटिंग इनमें से काम ही नहीं कर रही क्योंकि भाई हमने हीटिंग को जिसपे डिवाइड किया है हीटिंग को हमने डिवाइड किया है फ्रिक्वेंसी के आधार पर डी की आपकी फ्रिक्वेंसी क्या जीरो तो भाई सीधी सी बात हम ये हमारी जो आपको इतना सा बस याद रखना है कि भाई मेरी हीटिंग का क्लासिफिकेशन होता ही किसके आधार पर है फ्रीक्वेंसी के आधार पर तो इसीलिए मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आंसर दीजिए आपके सामने लग रहा है जल्दी से देखिए नेक्स्ट आपका वेल्डिंग से क्वेश्चन है जल्दी से इसका आंसर कर देंगे मैं अब आप लोग कहेंगे कि मैडम कभी एक टॉपिक पे क्यों नहीं चल रही भाई जान के मैं मिक्स कर रही हूं पेपर में कभी कोई आपको स्पेसिफाई करके थोड़ी ना आपको देगा इसीलिए जान के आपको आपके सामने मिक्स क्वेश्चन ला रही हूं भाई जितना ज्यादा हो सके अभी कंफ्यूज हो लो पेपर में कंफ्यूज मत होना सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में इनमें से क्या ज़रूरत होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है हाई वैल्यू ऑफ एसी हाई वैल्यू ऑफ़ ए सी एट लो वोल्टेज यानी कि करंट आपका हाई और वोल्टेज लो दूसरा कह रहा है लो वैल्यू ऑफ ए सी और लो वैल्यू ऑफ ए सी एट हाई वोल्टेज यानी कि आपको क्या बोल रहा है पहले ऑप्शन में कह रहा है हाई करंट लो वोल्टेज दूसरा कह रहा है लो करंट और हाई वोल्टेज तीसरा कह रहा है हाई वोल्ट आपका हाई वैल्यू लेकिन डीसी करंट हाई वैल्यू डीसी करंट लो वोल्टेज पे और चौथा कह रहा है लो वैल्यू डीसी करंट लेकिन हाई वोल्टेज पे बताइए भाई जल्दी से बताइए बताइए जल्दी से आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किस टाइप की सप्लाई आपकी जरूरत होती है भाई इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है कैसे याद रख सकते हो आपको बता दूं भाई रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करेगा किसकी बात कर रहा है रेजिस्टेंस हीटिंग की बात कर रहा है आपका यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस हीटिंग की आपकी कोई भी टाइप हो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपका कौन सा इफ़ेक्ट काम करता है आपके करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है आई स्क्र आर टी आई आई स्क्वेयर आर टी यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करंट होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा से आपका करंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी और भाई हम क्या चाहते हैं हम यही तो चाहते हैं कि हाई टू हाई टू हाई वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करंट की वैल्यू हाई होगी उतना आपका क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर क्या होगा भाई आपकी हीटिंग प्रोड्यूस होगी और पहली अब बात आती है ये तो पता चल गया कि हमें क्या लेना है हाई करंट लेना है लो वाले दोनों ऑप्शन हटा दिए अब यहाँ पे बच गए मैडम एसी और डीसी हालांकि वेल्डिंग होती तो भी सोचने की जरूरत पड़ती लेकिन भाई अभी आपको प्री यहाँ पे सॉरी वेल्डिंग ही है आपको यहाँ पे आपको बोला था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वेल्डिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि हालांकि रजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी हो दोनों पे सकती है ए सी पे लेकिन डी पे अनस्टेबिलिटी की वजह से हम डी को रजिस्टेंस के लिए यूज़ ही नहीं करते ये प्रीवियस ईयर की क्लास है भाई याद रखना जहाँ पे वेल्डिंग के नोट्स बनाए होंगे प्रीवियस ईयर मेंशन किया होगा आपको बताया था प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो ए सी होने को दोनों पे कर सकते हैं बट ड्यू टू दी अनस्टेबिलिटी रीजन हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को करते किसपे है सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र ए पे करते हैं आर्क वेल्डिंग है जो कि आपकी ए सी दोनों पे काम करती है आर का वेल्डिंग है जो कि आपकी ए सी डी सी दोनों पे काम करती है तो भाई सीधी सी बात बाय रेजिस्टेंस वेल्डिंग काम ही किस पे करती है ए सी पे करती है तो डी सी को भी यहाँ पे हटा दोगे तो यहाँ पे बन क्या गया कि आपका लो वोल्टेज हाई करंट हाई करंट भी कौन सा ए सी यानी कि जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मेरी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए मेरे को किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है मुझे इस टाइप की सप्लाई चाहिए इसीलिए याद रखना इस टाइप की सप्लाई आपको दी जाती है विद दी हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपका सीधी सी बात आपका लो कर आपका सॉरी स्टेप डाउन आपकी लो वोल्टेज और हाई करंट प्रोवाइड करता है और यही मुझे चाहिए था ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जल्दी से चलिए चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए सेकेंड का आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए चलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने साथियों को बुलाओगे तो उसमें तुम्हारा और हमारा सभी का भला होगा भाई आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ ये हमेशा ताली दो हाथ से बजती है भाई कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती तो ऑब्वियसली अगर हम साथ दे रहे हैं हम भी अपने फेस्टिवल्स को छोड़ के आपके लिए लगे हुए हैं तो भाई आप भी साथ दीजिए आप भी आइए होली मना ली सभी ने मना ली भाई बहुत था चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कोल्ड अभी मैंने अभी आपको हीटिंग का पूरा डायग्राम बताया था मैं वहां पे ही मैं आपको बताऊं मैं आपको बताने वाली थी इसका आंसर ये ये पॉइंट यहां पे भी बताने वाली थी लेकिन मैंने जान के जान के नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था अगला क्वेश्चन आना ही है तो बताइए भाई जरा आंसर दीजिए इसका डाईलैक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो कोल्ड डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का और नाम बताइए क्या है अब आप कहेंगे कि मैडम अभी तो आपने क्या बताई थी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का अनदर नेम कैपेस्टर हीटिंग बताई थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं।, नहीं है बिल्कुल नहीं है देखिए डाईलैक्ट्रिक हीटिंग का अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं वॉल्यूम हीटिंग इन्फ्रा रेड हीटिंग सरफेस हीटिंग एडी करंट हीटिंग एडी करेंट हीटिंग तो भाई वैसे ही हट गया एडी करेंट हीटिंग तो अनदर टाइप ऑफ हीटिंग ही है अच्छा फिर आता है आपका इन्फ्रा हीटिंग और साथ में सरफेस हीटिंग भाई ये एक आपकी अलग टाइप है हीटिंग के आपको बता दूं भाई दूसरा यहाँ पे बचता क्या है आपका वॉल्यूम हीटिंग भाई ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे <coughs> डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को आपकी इसी के अनदर नेम है वॉल्यूम हीटिंग इसी का अनदर नेम है आपका कौन सा कैपेस्टर हीटिंग इसी का ही अनदर नेम है आपका डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस या डाई इलेक्ट्रिक लोस हीटिंग या इसी का ही अनदर नेम है आपका हिस्टेरेसिस लोस हीटिंग हिस्टेरेसिस लोस हीटिंग भाई यहां पे आपको बता दूं भाई आपका जो कैपेसिटर का फंडा है ना जो आपका कैपेसिटर का फंडा है वही यहाँ पे काम करता है आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है इसको आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कैपेसिटर क्या होता है भाई कैपेसिटर और कुछ नहीं है दो कंडक्टिंग प्लेट लो दो कंडक्टिंग प्लेट लो और इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स को सेपरेट कर दो किसी अपने डाई इलेक्ट्रिक से, वे से।, वे से क्या से कर दीजिए सेपरेट कर दीजिए डाई इलेक्ट्रिक से जोड़ दो अपनी इनको सप्लाई से क्या कर दो अपनी यहां पे सप्लाई से जोड़ दीजिए ठीक है भाई यहां पे सप्लाई से जोड़ दीजिए सप्लाई से जोड़ दिया अब यहां पे जिस मटेरियल को आपको हीटअप करना होता है वो आपके डाई इलेक्ट्रिक ही होता है जिस मटेरियल को इसमें होता क्या है ये भी आपको बताई देती हूँ डाई इलेक्ट्रिक में आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में जिस मटेरियल को आपको हीटअप करना है उसी मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक के रूप में चुना जाता है बात आती है अब डाईलैक्ट्रिक यानी कि यहाँ पे ना बच्चे समझ जाते हैं कि भाई इंस्यूलेटर भी आपको बता दूँ भाई इंस्यूलेटर और डाईलैक्ट्रिक हालांकि नाइनटी डाईलैक्ट्रिक और इंसुलेटर सेम है लेकिन मैंने क्या बोला 99.99 नाइन .99 परसेंट यानि कि पॉइंट परसेंट लेकिन डिफरेंस दि है ठीक है अब वो क्या है भाई एक चीज़ सुनिएगा कि आपके सारे के सारे डाई इलेक्ट्रिक सारे के सारे डाई इलेक्ट्रिक इंस्यूलेटर होते हैं सारे के सारे इंस्यूलेटर डाई इलेक्ट्रिक हो ये ज़रूरी नहीं है अब भाई ऐसा है क्या आपको बता दूं एक माइन्यूट सा डिफरेंस है डाईलैक्ट्रिक और इंसुलेटर की अगर एग्जांपल की बात करूं तो भाई दोनों का एग्ज़ाम्पल है आपका ग्लास दोनों का एग्ज़ाम्पल है आपकी एयर लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करती हूँ डिफरेंस की अगर मैं आपकी वहीं पे बात करती हूँ किसकी डिफरेंस की तो आपको बता दूँ भाई आपके डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं आप इंसुलेटर क्या बोलते हो इंसुलेटर आर दी वेरी 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 वेरी, वेरी बैड कंडक्टर जिसमें से बिजली पास ना होती हो तो भाई डाई इलेक्ट्रिक्स को भी यही कहा जाता है लेकिन एक शब्द यूज़ करा कि डाईलैक्ट्रिक्स में से भी बिजली पास नहीं होती लेकिन वो लेकिन क्या है वो लेकिन ये है कि अगर हम भाई अपनी वोल्टेज लेवल इंक्रीज 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 इंक्रीज, इंक्रीज करते चले जाएं तो इंस्यूलेटर आपके डाई में क्या होता है कि एक मिनिमम पॉइंट पे आपके चार्ज का सेपरेशन हो जाता है चार्ज का सेपरेशन हो जाता है कंडक्शन नहीं होता लेकिन सेपरेशन हो जाता है यानी कि चार्ज का सेपरेशन होगा जब तो यानी कि चार्जिस के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाएगी और जैसे ही भाई मूवमेंट आ गई तो हमें तो हम क्या कहते हैं कंडक्शन के लिए भाई मूवमेंट ऑफ चार्ज वहाँ पे वेरी 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 लो कंडक्शन होगी लेकिन होगी हमें ये नहीं देखना कि हमें बिजली पास करानी है डाईलैक्ट्रिक में से नहीं मुझे सिर्फ ये देखना है चार सेपरेशन और अगर मान लीजिए ये प्लेट थी आपकी पॉजिटिव और ये थी नेगेटिव तो क्या होगा डाईलैक्ट्रिक्स की नॉर्मल नॉर्मल जो था नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये नहीं होंगे लेकिन जैसे 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 आप वैल्यू सप्लाई बढ़ाते चले जाओगे बढ़ाते चले जाओगे इसके डाई के नेगेटिव चार्ज इस साइड पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे यानी कि इस डाई के चार्जेस क्या हो गए सेपरेट हो गए और इसी को कहा जाता है आपका ये फिनोमिना कहलाता है पोलेराइजेशन और ये जिस वोल्टेज पर होगा ये काम कि डाई के चार्जेस का सेपरेशन या सिंपल भाषा में कहें कि डाईलैक्ट्रिक का कंडक्शन उसको कहा जाता है आपकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ डाईलैक्ट्रिक जैसे कि आपको पता ही है एग्जाम्पल दे दूं एयर आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं एयर आपको पता है एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होती है तीस किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये तीस किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मैंने क्या रखा होता कोई मीडियम ना रखा होता आपकी सिर्फ और सिर्फ मैंने एयर रखी होती एयर एक डाइलेक्ट्रिक ही है अगर मैंने सिर्फ़ आपकी एयर रखी होती अगर यहाँ पे मैंने रखी होती एयर तो इस 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर की एयर जो है तीस किलो वोल्ट सप्लाई आने पर यह ब्रेकडाउन हो जाएगी यानी कि इस एयर के जो प्लस माइनस आइन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे इसी को कहा जाता है पोल और ये फिनोमिना क्या कहलाता है आपका पोलराइजेशन ऑफ डाईलैक्ट्रिक ठीक है भाई और आपको बता दूं इसी वजह से इसी वजह से आपके इस फिनोमिना का यूज़ किया जाता है आपके डाइलेक्ट्रिक जैसे कि आपके प्लास्टिक वगैरह को हीटअप करने के लिए ठीक है जी आपके प्लास्टिक्स वगैरह को हीट अप करने के लिए इसी का इसीलिए यूज़ किया जाता है और आपको बता दूं ये हीटिंग इतनी बढ़िया है कि इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं आपकी आ, इवन जो हमारी बोन्स हैं जो हमारी हड्डियां हैं बोन यानी जो जिसे कहा जाता है डायाथर्मी यानी हमारी बॉडी में अगर हीटिंग का काम किया जा रहा है तो वो भी इसी इसी हीटिंग से किया जाता है इसको याद रखना बोन हीटिंग हो गई आपकी टिश्यू का हो गया वो इसी से होता है भाई yeah. क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की पूरी हिस्ट्री दे दी मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा चलिए बहुत डिटेल बता दी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से चलिए जल्दी से ये एक क्वेश्चन ये आपका काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिएगा भाई काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है आप कहेंगे कि ये हमारा यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन बनता ही नहीं है लेकिन भाई आपको एक चीज और बता दूं ऐसे अटपटे से एक आधे क्वेश्चन जरूर डालता डालता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जरूर है ये क्वेश्चन भाई अब वो आप उसे यूटिलाइजेशन का कहो या कहीं का भी कहो मेरा थर्ड का आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए ठीक है भाई चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए आपके सामने लगा हुआ है हालांकि आपको बता दूं इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए क्या कह रहा है दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको ए और आर और कह रहा है कि सिलेक्ट करो अपना करेक्ट आंसर ए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन हाउस प्रोड्यूस नॉइस इन अ रेडियो कि अगर रेडियो में कोई आपके अब यहाँ पे ये मत देखना कि घर का लैंप रेडियो में अरे भाई जो आपके रेडियोज में सिंपल एलईडीज वगैरह लगी हुई है वो उन्हीं को लैंप कह रहा है क्या कह रहा है स्विचिंग ऑफ अ लैंप इन हाउस प्रोड्यूसेस नॉइज इन अ रेडियो कि रेडियो के अंदर जो लैंप है वो आपके वो क्या करते हैं नॉइज प्रोड्यूस करते हैं दूसरा कह रहा है कि स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस आर्क सेपरेटिंग आर्क अक्रोस सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट क्या कह रहा है कि जो ये आपका स्विचिंग यानी कि बल्ब का बंद चालू बन होना है वो आपका क्या करता है आपके सेपरेटिंग जो आपके जो कॉन्टेक्ट हैं उनके अक्रोस आर्क प्रोड्यूस करता है बताइए भाई ये आपका मैं बता दूं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है uh, एक बींग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिंपल सा दिमाग है बस बताइए भाई जल्दी से थोड़ा सा सोच के आपको चुनना है कि देखिए क्या कह रहा है इसमें देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए हैं कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू दोनों ए और आर जो है वो सही हैं लेकिन साथ में कह रहा है कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की दूसरे में कह है ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आपको साथ में क्या कहता है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर कहता है कि ए सही है आर गलत है फिर कहता है ए गलत है आर सही है बताइए भाई आपको बता दूं भाई यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं अब सिंपल सी बात है एक नॉर्मल से लैंप की बात करो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई मत करना कि आपका एलईडी होगा या कुछ होगा तो सी और डी ऑप्शन तो भाई वैसे ही एलिमिनेट हो गए मैंने क्योंकि बोल दिया कि दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में सोच के देखो कह क्या, क्या रहे आपका कहता है कि अगर स्विचिंग होती है यानी कि स्विचिंग का मतलब है बार बार चालू बंद चालू वन चालू बंद करोगे तो भाई सीधी सी कॉमन सी बात है हमने देखा है चालू बंद चालू बंद चालू वन चालू बंद होती है अगर बार बार चालू बंद चालू वन चालू बंद होता है तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है किसी भी बटन को किसी भी सिंपल से स्विच को भी लैंप की तो मैं बात ही नहीं कर रही सिंपल से स्विच को भी अगर बार बार चालू वन चालू वन चालूवन फ्रिक्वेंटली चालू वन चालूवन करोगे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो आपकी आर स्टेटमेंट तो ठीक हो ही गई ठीक है उसके बाद ए ऑप्शन में क्या कह रहा था कि स्विचिंग की वजह से आपकी नॉइस प्रोड्यूस होगी स्विचिंग की वजह से नॉइज प्रोड्यूस होगी भाई कॉमन सी बात है बार बार चालूवन चालू चालूवन करोगे तो आपकी नॉइज क्या होती है नॉइस होती है अनवॉन्टेड सिग्नल तो भाई वो होता ही होता है तो अब यहां पे उसने क्या कहा कि आपने ये तो कह दिया ए और आर दोनों सही हैं अब कह रहे हैं ये चुनो कि आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं यानी कि ए और बी में से चुनना है तो भाई सिंपल सी बात है अब आपने क्या बोला दोनों बातों को जोड़ के देखो आप लोग ना सभी टेक्निकल बच्चे टेक्निकल का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें रीजनिंग ना आती हो तो यहां पे वो रीजनिंग ही लगानी है इलेक्ट्रिकल रीजनिंग लगानी है बस लॉजिक लगाते हो ना तो वही लॉजिक्स लगाओ यहां पे भाई मेरे चालू वन चालू वन चालू वन चालू वन करोगे चालू वन चालूवन से तुमने ये तो मान लिया कि नॉइज़ प्रोड्यूस होगी नॉइज़ प्रोड्यूस आपकी साथ में आप कह रहे हो आग भी लगेगी तो भाई वो स्पार्किंग हालांकि यहाँ पे इस बात का ना कोई लॉजिक नहीं है वो जब स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है तो जी 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 स्पा आवाज़ भी तो आती है तो, भाई तो वही तो वही तो बात है तो भाई आपकी यहाँ पे आर जो है वो आपकी ए और आर दोनों सही होंगे लेकिन साथ में आर जो है ए की कर क्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा तो यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है क्लियर हो गया भाई सिर्फ इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था सिंपल सा सोचना था चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग गया है क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है भाई आपके सामने कीजिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए छोटा सा न्यूमेरिकल है ज़रा ध्यान देंगे इस पर क्या कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन और कर लीजिए भाई जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए जरा एक 200 वोल्ट का लैंप है वो करंट लेता है वन एम्पियर का और प्रोड्यूस करता है टोटल फ्लक्स 2860 एट का 2860 ल्यूमिन प्रोड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ दी लैम्प बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है यार बहुत इजी है कर दो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यूनिट वाला देखिए जरा इसके बीच में था इन दोनों के बीच में क्वेश्चन नंबर अठारह हाँ ये है ना क्लियर हो गया भाई सभी को ये क्वेश्चन होपफुली 14.3 बहुत इजी सा क्वेश्चन था और आपको बता दूं ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे सकता है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से जल्दी से बताइए भाई इजी सा क्वेश्चन है अभी 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 होली खेल के आए हो ना तो अभी शुरुआत जो है वो थोड़ी थोड़ी आसान आसान क्वेश्चन से करते हैं ज़्यादा नहीं पैंतीस छोड़ छोड़ू चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट बताइए क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट बताइए और आपको बता दूं भाई आपको एस एस जेई की कर रहे हो एक क्वेश्चन यूनिट से जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैंडला स्टेरेडियन लक्स ल्यूमिन ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट अभी बात ही की थी भाई इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है बिल्कुल सही है लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स ल्यूमिन इज द राइट आंसर एल एम शॉर्ट में लिखा जाता है आपको बता दूं कैंडला जो आपकी यूनिट है कैंडला यूनिट होती है आपकी इंटेंसिटी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेरेडियन एस आर शॉर्ट में लिखते हैं सोलिड एंगल की यूनिट होती है भाई ओमेगा सोलिड एंगल की यूनिट होती है तीसरा आपको दिया हुआ था लक्स ये जरूर याद रखना भाई लक्स आपकी ऐसा ही यूनिट है किसकी आपके इल्यूमिनेशन ई e की और लुमिन जो है भाई वो मेरा किसका मेरी यूनिट है फ्लक्स की क्लियर हो गया भाई सभी को क्लियर है भाई सभी को चलिए भाई अभी अभी त्योहार के बाद आए हो कोई बात नहीं ज्यादा बर्डन एक साथ हम भी नहीं डालेंगे इतना अत्याचारी भी नहीं है होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको आपकी आज की यहाँ की सेवा को यहीं पे समाप्त करती हूँ अभी भाई थोड़ा सा देखिए कईयों के आंसर गलत भी आए थे तो भाई प्लीज़ थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है बार बार जो भी बच्चे भाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेके चलती हूँ मेरे लिए जितने भी बच्चे देख रहे हो सारे के सारे पढ़ने लायक हो सा तो भाई सीधी सी बात थोड़ी सी रिवीजन पे ध्यान दीजिए आज इसलिए जल्दी छोड़ रही हूँ कि थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लीजिएगा इसी की कीजिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब जल्दी ही मैं इसके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे और जो सब्जेक्ट आप कहेंगे उसी पे आएंगे लेकिन भाई रिवीजन कीजिए इट इज़ मैंडेटरी बिना रिविजन के काम नहीं चलेगा तो अब इसी के साथ गुजा, इसी गुजारिश के साथ कि भाई रिविजन कीजिए रिविजन कीजिए आपकी आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करती हूँ कल मिलूंगी इसी वक्त इसी टाइम पर तब तक के लिए धन्यवाद